हेलो दोस्तों, नमस्कार। हरीश भाई के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज आए हैं हम जमुना रिवर फील्ड की तरफ। आज मौसम बहुत शानदार है, अच्छा है, बारिश का बना हुआ है मौसम और जमुना में पानी भी आया है हरियाणा पंजाब का। और काफ़ी दिनों से बड़ी मछली आ भी नहीं रही थी। देखते हैं जमुना में आज कैसी चाल होती है, मछली पकड़ी जाएंगी या नहीं। अशोक भाई आज हमारे साथ हैं। दोस्तों, मछली आज हाँ लग भी गई है। दोस्तों, पकड़ी गई है मच्छी, फ्लोट से पकड़ी है दोस्तों। हाँ, चाइना रहू ये अशोक भाई ने आज शिकार कर भी लिया। हम ठीक से देख भी नहीं पाए दोस्तों, और अशोक भाई ने ये शिकार पकड़ लिया। खड़िया में डाल रहे हैं। देखिए, जमुना में पानी भी आ गया दोस्तों। आज अच्छा पानी आया है। आने वाले कुछ वीडियो के अंदर आपको बढ़िया शिकार देखने को मिलेगा जमुना से। देखिए, पानी का लेवल बड़ा है। अशोक भाई अच्छे गोताखोर भी हैं दोस्तों। ये देखिए, अशोक भाई ने गोता लगा दिया यमुना में, और ये गोता मार के मछली पकड़ने के भी एक्सपर्ट हैं। आज यही वीडियो डालेंगे दोस्तों यूट्यूब पे, देखना। अच्छी वीडियो लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, बेल आइकॉन दबाना, कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं आप। दोस्तों, अशोक भाई गोता लगा रहे हैं, देखते हैं कि मछली पकड़ेंगे या नहीं। ये देखिए दोस्तों, यमुना का पानी बढ़ा हुआ भी है, और ये देखिए दोस्तों गोता लगाते हुए अशोक भाई। ये देखिए, ये काफ़ी जोखिम का काम भी है, ये गोता लगाना भी एक कला है दोस्तों। हर व्यक्ति ये गोता नहीं लगा पाता, और ऊपर से मछली पकड़ के लाना ये भी एक कलाकारी है। ये देखिए दोस्तों, ये अशोक भाई ने पकड़ ली एक फिश। हाँ, ये भी चाइना रोहू ही लग रही है जी। हाँ दोस्तों, ये गोता लगा के फिश हंटिंग करते हुए अशोक भाई, ये दी हमारे हाथ में। ये देखिए दोस्तों, अशोक भाई ने गोता लगा के पकड़ी ये मछली। अच्छा लगता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, चाइना रोहू। ये देखिए दोस्तों, गोता लगाते हुए अशोक भाई, गोता लगा के मछली पकड़ना ये भी एक हुनर है। हर व्यक्ति ये गोता नहीं लगा पाता। ये देखिए दोस्तों, गोता लगाने का तरीका इनका, कहाँ गोता लगाया और कहाँ निकलते हैं कुछ पता नहीं लग पाता कई बार दोस्तों। लेकिन है बड़े मज़ेदार गोता लगाना भी। अभी नहीं लगी है शायद। ये किनारे पे भी चेक कर रहे हैं, कई बार मछलियां किनारों पे भी होती हैं कॉर्नर के अंदर, यहाँ नहीं मिली। थोड़ा अंदर की तरफ जाते हुए अशोक भाई, पानी बढ़ाया तो देखिए दोस्तों, लगभग छः फुट से ऊपर किनारे पे ही पानी दिख रहा है, और यहाँ गोता लगाया है इधर अशोक भाई ने। बारिश का मौसम बना हुआ है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, गोता लगा रहे हैं ये, लेकिन अभी शायद मछली नहीं आई है। ये दोबारा फिर गोता लगाया, देखते हैं। अभी हाँ दोस्तों, आई है शायद। हाँ, आ गई दोस्तों। ये गोता लगा के फिर अशोक भाई ने शिकार किया। हाँ, चाइना रोहू ही है।
ये देखिए दोस्तों, चाइना राव गोता लगा के मछली पकड़ते हुए मेरे चैनल पर ये पहली बार गोताखोरी से शिकार करते हुए, ये देखिए दोस्तों चलते हैं आज दोबारा से कुकिंग की तरफ। फिश तो आज हमने पकड़ लिया, देखिए दोस्तों ये ताजी तोरी, यमुना के किनारे की खेती, वहाँ से तोड़ी गई तोरियाँ, और ये कुकिंग करेंगे आज, मटन तोरी बनाई जाएगी। सभी लोग इसका एंजॉय करेंगे, यहाँ पर जितने भी मेरे साथी हैं फिश पकड़ने वाले। लंच तैयार हो रहा है, ये देखिए दोस्तों चूल्हा जलाया जा रहा है और आज बनाया जाएगा तोरी मटन। मटन तोरी आज देखते हैं दोस्तों, बनाकर लंच की तैयारी करेंगे हम सब। ये देखिए दोस्तों मसाला कढ़ाई में डालते हुए अच्छा अनुभव हम सबका यहाँ पर फिश हंटिंग करना और यहीं बनाकर लंच बनाना, देसी माहौल गांव का, जो कि शहरों में बहुत कम देखा जाता है गांव जैसा माहौल। ये देखिए दोस्तों मटन तोरी बना रहे हैं हम यहाँ पर, मसाला अच्छे से भुनने वाला है। ये देखिए दोस्तों तोरी अच्छे से छील के साफ की गई। ये देखिए दोस्तों मटन थोड़े बड़े पीस हैं, छोटे किए जा रहे हैं, साफ सफाई। ये देखिए दोस्तों मटन यमुना पे बनाते हुए हम सभी हरीश भाई चैनल के साथ जुड़े हुए दोस्त लोग दोपहर के खाने की तैयारी करते हुए, सफाई करते हुए मटन की, तोरी भी अच्छे से कट गई है, मटन धुलाई हो रहा है दोस्तों। आपको सब कुछ दिखाते हुए जमुना का माहौल। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन दबाना, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखना कि आपको ये कैसी लगी कुकिंग। ये देखिए दोस्तों बनाते हुए हम यहाँ पर मटन अच्छे से धुलाई हो गया, मटन डालने के बाद इसमें तोरी भी डालेंगे। देखिए मसाले में मटन डालते हुए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना कि हमारी कुकिंग आपको कैसी लगती है। चैनल पर आने वाले अगली वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ कुकिंग का ज़रूर दिखाते रहेंगे हम। मटन हमने डाल दिया दोस्तों, ये देखिए दोस्तों अभी इसमें तोरी डालना बाकी है, तोरी भी डालेंगे हम इसमें। ये देखिए दोस्तों तोरी आ गई कट कर, ये तोरी डालना शुरू कर दिया हमने दोस्तों, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत होती है तोरी के अंदर। ये देखिए दोस्तों
देसी गांव जैसा माहौल दोस्तों दोस्तों तैयार हो गया हमारा मटन तोरी दोस्तों, ये देखिए।